नमस्कार, मैं ऋचा गौर आज आपका स्वागत करती हूँ जेसी बोस विश्वविद्यालय के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिक्षा संघ के नवचयनित कार्यकारिणी ने कुलपति से की शिष्टाचार भेंटवार्ता। कुलपति प्रोफेसर तोमर ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए योगदान दे फैकल्टी एसोसिएशन। जेसी बोस विश्वविद्यालय में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 150 से ज्यादा रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ हुए शामिल। विश्वविद्यालय में दो दिवसीय राज्य सम्मेलन इको 2022 का हुआ आयोजन। सम्मेलन में 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। वायु जल एवं भूमि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हुआ विचार मंथन। जापान के अकेडमिक प्रतिनिधिमंडल ने जेसी बोस विश्वविद्यालय का किया दौरा। अनुसंधान एवं अकेडमी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर हुई चर्चा। मीडिया विभाग के विद्यार्थियों ने किया टी सीरीज कॉरपोरेशन में इंडस्ट्रियल दौरा। हिंदी फिल्म धोखा की स्टार कास्ट से विद्यार्थियों ने किया सवाल जवाब। अब खबरें विस्तार से। जेसी बोस विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ की फैकल्टी एसोसिएशन की नवचयनित कार्यकारिणी ने कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर से शिष्टाचार भेंटवार्ता की। कार्यकारिणी की अध्यक्षता नए अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने की। नवचयनित सदस्यों ने कुलपति को अपना परिचय दिया और विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा की। भारत विकास परिषद फरीदाबाद और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में छात्रों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के लगभग 150 से ज्यादा ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। भारत सेवा प्रतिष्ठान फरीदाबाद और ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में जेसी बोस विश्वविद्यालय द्वारा वायु जल भूमि विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन इको 2022 संपन्न हो गया। संपन्न सत्र में राष्ट्रीय हरित न्यायाधीशीकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति श्री आदर्श गोयल मुख्य वक्ता रहे। जापान के एक अकेडमिक प्रतिनिधिमंडल ने अनुसंधान तथा अकेडमिक सहयोग पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से जेसी बोस विश्वविद्यालय का दौरा किया और सिविल तथा पर्यावरणीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग के विद्यार्थियों ने नोएडा स्थित फिल्म सिटी के टी सीरीज कॉरपोरेशन में इंडस्ट्रियल दौरा किया, जहां टी सीरीज के प्रोडक्शन में बनी हिंदी फिल्म धोखा की स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए पहुंची मीडिया के विद्यार्थियों ने फिल्म धोखा की स्टार कास्ट से सवाल जवाब किए, जिसमें कि सुपरस्टार आर माधवन, दर्शन कुमार, अपार शक्ति खुराना और फिल्म के डिब्यू कर रही खुशाली कुमार मौजूद रही। आज के साप्ताहिक बुलेटिन में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात विश्वविद्यालय की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।